बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नया टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रीमियम मेथड नंबर 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है विदाउट मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपने उन अकाउंट को इस्तेमाल करके यूफैन के जो 50 सब्सक्राइबर हैं उनको कैसे आपने पूरा करना है। इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि जब मैं तमाम अकाउंट क्रिएट कर लूँगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने तमाम अकाउंट के जो फाइनल ऑप्शन होता है उसको कैसे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर लेनी है, जिससे आपके ईमेल अकाउंट क्रिएट नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि आपने इस वीडियो को एंड तक डिटेल तक देखना है। इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी ट्रिक है, जो अगर आप मिस कर गए तो आपके अकाउंट क्रिएट नहीं होंगे। एक और चीज़ बता दूं, इससे पहले मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर एक जो मेथड बताया था 50 सब्सक्राइबर बनाने का, जो कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरे करने, उस मेथड को इस्तेमाल करके मैंने इतनी सारी ईमेल अकाउंट बनाया है। आप देख सकते हैं, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, इन तमाम ईमेल अकाउंट को मैंने उस मेथड के थ्रू बनाया था। लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि उनसे वो मेथड फॉलो नहीं हो सका, तो उसकी जगह पर आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। और अगर आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर 1000 व्यूज़ भी चाहिए तो आपने ये वाला मेथड लाजमी देख लेना है, क्योंकि ये एक अपडेटेड मेथड है और इस मेथड को इस्तेमाल करके आप 10K व्यूज़ विद इन 24 आवर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, और जहाँ आपको व्हाट्सएप का आइकन नज़र आएगा आपने इस आइकन के क्लिक करना है और आपने इस व्हाट्सएप अकाउंट को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन कर लें, और जहाँ पर आपने अपनी वो ईमेल अकाउंट लॉगिन कर लेनी है जिसके ईमेल अकाउंट के ऊपर आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड अटैच है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड अनदर अकाउंट। सिंपली आपने ऐड अनदर अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर यूज़ अनदर अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यूज़ अनदर अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज माई बिजनेस। आपने यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन चूज़ करना है, फॉर माई सेल्फ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने अपना वो यूनिक नेम लिखना है जो दुनिया में किसी ने भी यूज़ ना किया हो। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ SARWAYA KHAN PG मैंने लिख दिया। और यहाँ पर आपको जो लास्ट नेम ऑप्शनल है इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, इसको आपने लिखना नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो नज़र आ रही होगी, आपने यहाँ पर डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ मैंशन कर देनी है। मैं यहाँ पर अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैंशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपने यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फीमेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ब्रदर टू से या कस्टम कोई भी चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको वो ई मेल बताई जाएगी जो आपने चूज़ करनी होगी। याद रखिएगा, आपने वो वाली ई मेल चूज़ करनी है जहाँ पर आगे कोई ना कोई लेटर आ रहा हो, जैसे लिखा हुआ है SARWAYA KHAN PG5। आपने ये वाली ईमेल सेलेक्ट करनी, आपने ये वाली ईमेल सेलेक्ट नहीं करनी जहाँ पर कोई भी करेक्टर आपको या कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो आपने जिसमें 5 नज़र आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पासवर्ड का जो प्रॉम्प्ट होता है वो नज़र आएगा। हमने यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ और मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्रॉस का बटन करना है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको रिकवरी ईमेल पुट करें, तो आपने सिंपली इसको स्किप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्किप के बटन पे क्लिक करेंगे आपको फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आपने स्किप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्किप के बटन पर क्लिक करेंगे आपको कहा जाएगा कि रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बात लाजमी याद रखनी है, सेम आपने यहाँ पर कोई और क्लिक नहीं करना, यहाँ पर आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है, आपने यहाँ पर आई एग्री के बटन पे क्लिक नहीं करना। बस ये आपने लाजमी याद रख लेना कि यहाँ पर आपने आई एग्री के बटन पे क्लिक नहीं करना। सेम मेथड फॉलो करके आपने सारे अकाउंट बना लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटन नज़र आ रहे हैं। सिंपली आपने 6 अकाउंट आपके बन चुके हैं, आपने सारों को यहां पर क्लिक कर देना है आई एग्री, इसको भी आपने ड्रॉप डाउन करके आई एग्री,
इसको भी ड्रॉप करके आपने आई एग्री, इसको भी आपने ड्रॉप डाउन करके आई एग्री, इसको भी ड्रॉप करके आपने आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना। इस तरह आपके तकरीबन सारे के सारे एग्री अकाउंट आपके बन जाएंगे। आप देख रहे होंगे आपके ये ईमेल अकाउंट आपके बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, तमाम ईमेल अकाउंट को आपने कॉपी करके आपने किसी भी नोटपैड में सेव कर लें और उसका जो पासवर्ड है वो भी आप सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके अकाउंट जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते। मैंने इस मेथड को खुद वेरीफाई किया और इस मेथड को इस्तेमाल करके मैंने डिफरेंट अकाउंट बनाया। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इस मेथड को ध्यान से यूज़ करना है। जहाँ पे भी अगर आपके लेट्स पता 10 ईमेल अकाउंट बन जाते हैं, फिर आप दोबारा इसकी हिस्ट्री को डिलीट करके दोबारा यही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस मेथड को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एंड पर जाकर आपने आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जो वो ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करें जिनके अंदर कोई नंबर आ रहे होंगे। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यूफैंड की वेबसाइट पे जाना है। यूफैंड की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये बटन नजर आएगा, यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर उसके बाद आपको साइनअप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने साइनअप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ईमेल अकाउंट नजर आ रहे होंगे। आपने वन बाय वन उन ईमेल अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। एक आसान तरीका बता दूं कि आप डिफरेंट प्रोफाइल में गूगल क्रोम के प्रोफाइल बना लें हर ईमेल के, उनमें आप इनको लॉगिन कर लें। यहां पर आपको पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आपने लिखा नया टैग 008 और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका ये अकाउंट यहां पे प्रोफाइल बन चुका है और यहां पर आपको लेटर कर देंगे और अब आपका ये अकाउंट बन चुका है। अब आपने जिस भी अकाउंट को सब्सक्राइब करना है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उस अकाउंट को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि अपना वो अकाउंट का यूआरएल टाइप करना है। यहाँ पर आप वो अकाउंट का यूआरएल टाइप करेंगे, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा मेरा अपना प्रोफाइल ओपन हो चुका है। अब सिंपली मैं जैसे मेरे पास अभी 2 सब्सक्राइबर हैं, मैं जैसे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे सब्सक्राइब की तादाद होगी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड, और मेरे जो सब्सक्राइबर की तादाद होगी वो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 हो चुकी है। आप इस मेथड को यूज़ करके आपने अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लेने हैं। और इस वीडियो से मुतल्लिक आपकी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।